महायुद्ध की तैयारी कर रहा तानाशाह किम जोंग उन, कोरियाई बॉर्डर पर हलचल शुरू। साउथ कोरिया ने आरोप लगाया है नॉर्थ कोरिया के सैनिकों ने गार्ड पोस्ट पर फायरिंग की। आरोप है कि प्योंगयांग के सैनिकों ने दक्षिण कोरिया के गार्ड पोस्ट पर कई राउंड गोलियां चलाई। तानाशाह किम जोंग उन को लेकर नॉर्थ कोरिया ने सस्पेंस खत्म कर दिया है। 20 दिन बाद जब तानाशाह किम फिर से दुनिया के सामने आ गया है, तब उसके पास तबाही का नया फॉर्मूला है। तानाशाह किम जोंग ने अपने अज्ञातवास में कई साजिशों को सिरे चढ़ाया है। उसने सबसे बड़ी मुसीबत तो अपने कट्टर दुश्मन साउथ कोरिया के लिए खड़ी कर दी है। तानाशाह की वापसी के साथ ही कोरियाई बॉर्डर पर तनाव बढ़ गया है, जो एक बड़े संकट का संकेत दे रहा है। दुनिया इस सस्पेंस में थी कि नॉर्थ कोरिया का सनकी तानाशाह किम जोंग उन जिंदा है या मर गया। दुनिया रहस्यमयी देश उत्तर कोरिया के अंदर यह पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर किम जोंग उन का क्या हुआ। 20 दिन की गुमशुदगी के बाद उत्तर कोरिया से एक फैक्ट्री के उद्घाटन का वीडियो सामने आया और दावा किया गया कि किम जोंग उन पूरी तरह से स्वस्थ है। इधर तानाशाह का सस्पेंस खत्म हुआ, उधर कोरिया में एक्शन शुरू हो गया। किम जोंग उन के 20 दिन तक गायब रहने के बाद लौटने के साथ ही नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच माहौल बिगड़ने लगा है। जोंग की वापसी के साथ नॉर्थ कोरिया की ओर से आक्रामकता दिखाई जा रही है। किम जोंग उन ने जिस फर्टिलाइजर फैक्ट्री का उद्घाटन किया, उसका लिंक नॉर्थ कोरिया के एटमी साजिश से जुड़ा रहा है। लेकिन सबसे अधिक तनाव बढ़ाने वाली बात यह है कि किम जोंग की वापसी के बाद कई साल शांत चल रही नॉर्थ और साउथ कोरिया की सीमाओं से तनाव की चिंगारी भड़क रही है। तानाशाह किम के पब्लिक में दिखते ही नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच सीमा पर फायरिंग की खबरें आ रही है। साउथ कोरिया ने आरोप लगाया है नॉर्थ कोरिया के सैनिकों ने गार्ड पोस्ट पर फायरिंग की। आरोप है कि प्योंगयांग के सैनिकों ने दक्षिण कोरिया के गार्ड पोस्ट पर कई राउंड गोलियां चलाई। नॉर्थ कोरिया के फायरिंग का साउथ कोरिया की ओर से जवाब दिया गया। जवाबी कार्रवाई में साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया पर 2 राउंड गोलियां चलाई है। कोमोडो रक्षा विशेषज्ञ शैलेंद्र सिंह का कहना है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की दुश्मनी काफ़ी पुरानी है, ठीक भारत और पाकिस्तान की तरह। लेकिन भारत पाकिस्तान बॉर्डर की तरह यहां पर अक्सर सीज फायर का उल्लंघन नहीं होता। 3 साल बाद नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच फायरिंग की कोई घटना हुई है। हालांकि साउथ कोरिया की तरफ से किसी भी तरह के नुकसान न होने की बात बताई गई है, लेकिन नॉर्थ कोरिया इस बारे में अभी तक कोई सूचना नहीं आई है। दरअसल उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की आक्रामकता और सनक कभी भी इस इलाके में महाविनाश को आमंत्रित कर सकती है। तानाशाह का दिमाग फिरा तो वो कभी भी कोई खतरनाक कदम उठा सकता है। फिलहाल दुनिया के सबसे खतरनाक क्षेत्रों में शुमार कोरियाई बॉर्डर इस वक्त सुलग रहा है। तानाशाह किम जोंग उन की वापसी के बाद इस बात पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बड़े मिशन की तैयारी के लिए तानाशाह भूमिगत हुआ था। क्या तानाशाह का यह गुप्त मिशन कोई बड़ी तबाही ला सकता है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।